राहुल गांधी के नामांकन रैली में उमड़ा जनसैलाब, भीड़ देख भाजपाइयों में मच गया भयंकर बवाल। जी आपको तय चले कि जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने देर रात राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दे दिया और राहुल गांधी वायनाड के अलावा अब रायबरेली से भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। जी आपको तय चले कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ा है, जहां एक तरफ अभी तक वर्तमान सांसद सोनिया गांधी आती थी, लेकिन सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उम्मीद जताई जा रही थी अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी दोनों में से कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ी। इसके अलावा अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया, वहीं रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है और भाजपा को अब राहुल गांधी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। आज राहुल गांधी अपना नामांकन भी रायबरेली में करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के नामांकन रैली में जनता जनार्दन का जनसैलाब उमड़ आया, इससे तो यह साफ हो गया कि आने वाले समय में राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।